इस्लाम गुरु यूट्यूब सब्सक्राइबर्स एंड व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज जो है गुर्बत के सिलसिले में एक टॉपिक को जो है मैं लेकर आया हूँ। गुर्बत की ऐन वजह जो है वो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी रहो या कोई और कम्युनिटी रहो, गुर्बत की ऐन वजह सबसे पहली बात इंडिसिप्लिन, दूसरी बात जो है सही काम को सेलेक्ट नहीं करना, तीसरी बात मामूली इकानमी, मतलब बड़ा इकानमिस्ट रहने की ज़रूरत नहीं, क्या काम करने से क्या नफ़ा होता, किस में क्या पैसा बनता ये नहीं समझना, ये अहम बात है। जैसे मसलन मैं आपको यहाँ बता दूं, आज जो है कहीं भी चले जाओ आप, ऑटो चलाने वाले एक मेजॉरिटी, जबकि पॉपुलेशन में आप 10% है मगर ऑटो की अगर बात ले लिए तो वहाँ आपका डोमिनेशन 70% है। दूसरा क्यों नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा कि वो कोई वहाँ पर आपको सही इनकम सही सोर्स नहीं मिल सकता। जैसे वॉल पेंटिंग की बात ले लो तो मेजॉरिटी मुस्लिम की जो है वॉल पेंटिंग बोल रहे हैं, और एक जगह आपको मिलेगा जैसे पान डब्बे है, एक आध डब्बा कोई मेन सेंटर पे अच्छा चल सकता, यहाँ तक के जो है बिल्कुल डाल दे रहे हैं कि एक सिगरेट बेचे 2 रुपये और एक उधार चले गया तो 10 सिगरेटों के 2 रुपये चले गए। तो अगर ऐसे चीज़ों को आप पकड़ के 12-12 घंटे मेहनत करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप जब काम कर रहे हैं तो जो है उसका आपको सही उसकी इनकम मिलना चाहिए, मतलब उसके रिजल्ट्स आना, आपकी ज़रूरियात पूरे होना, एक बात ये हो गई। और दूसरी बात ये है कि अक्सर एक जगह ये देखा गया कि गुर्बत दूर करने क्या करना चाहिए, कम्युनिटी के बड़े लोग मस्जिदों से जमातों से या ऑर्गेनाइजेशंस बना के सोचना चाहिए थे, बजाय उसके एक बात तो ये देखने में मिलती, एक आम आदमी को पकड़ कर भी कभी कभी बयान में ये बात मिलती कि जो है दुनिया के पीछे मत भागो, दुनिया के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलता, जबकि उस मस्जिद में ऐसा होता कि 30-40% लोग ऐसे होते जो बिल्कुल 200-400 भी कमा नहीं सकते रहते। तो उनको ये बोलना चाहिए कि ये करने से जो है आप सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे, आप जो है अच्छी ज़िंदगी गुजारें, अपने अहल वयाल को रोज़ी रोटी आराम से दे सकेंगे, ये बोलना चाहिए था और उसके रास्ते बताना चाहिए था क्या करने से क्या मिलेगा। जैसे जो है कोई आदमी एक गैरों में अगर आप देख लिए, एक मामूली औरत अनपढ़ औरत आके मच्छी बेच लेती मगर शाम में 2000 लेके चले जाती, यहाँ तक कि कोई रोड पे बैठ के जो है छोटा मोटा तरकारी बेच लेती मगर 500-700। वो लोग पहले, और इंसान क्या कर रहा है कि अगर मेरे को 1000 रुपये नहीं मिले तो मैं काम करके क्या करूँ, तो वो सोच के काम को सेलेक्ट कर रहा, बजाय उसके हमारे जो नौजवान है आगे वाले को देख के काम कर रहे और कोई गाइड करने वाला नहीं रह रहा इसमें कि काम करने से जो है ये काम करने से तेरे को इनकम नहीं बनेंगे, तेरा घर नहीं चलेगा, ये गाइड करने वाला नहीं रहा, बस उन ऑटो चलाया तो इन भी देखा ऑटो चला लिया, उसको 200 आए इसको भी 200 आए, जिससे घर नहीं चलेगा, जिसकी वजह से गुर्बत के और भी नताए जा रहे हैं, और भी नताए जाए, घर में हमेशा झगड़े रहेंगे, ज़रूरियात पूरे नहीं होंगे तो घरवाली से झगड़ा रहेगा, माँ बाप से जो है दूर रहना पड़ेगा या माँ बाप के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, अखलाक को खो लेना पड़ेगा, तो गुर्बत के ऐसा बोल सकते हैं कि आप भयानक नतीजे आएंगे। और यही होते जा रहा, डे बाई डे जो गुर्बत बढ़ रही ये हो रहा, और फिर मुसलमान समझ रहा है कि तासुब की वजह से हमारी गुर्बत बढ़ रही, तासुब का ज़रूर इसमें दखल है, मगर वो एक मियारी काम के अंदर तासुब का दखल है, जो आपका जो पर्सनल काम है इसमें कोई दखल नहीं। ऐन आपके बच्चों को जो है डिसिप्लिन सिखाना चाहिए, काम का ढंग सिखाना चाहिए। अक्सर बच्चे ऐसा होते कि बग़ैर कोई काम के सुबह शाम काम की तलाश में एक बहाना बना के जब, मगर कोई माहौल में ऐसा नहीं है कि उन काम की भी तलाश नहीं कर रहा, बस एक बहाना समझे या एक सुनी सुनाई बात कह दे रहा, इस पर तगड़ी जमाते आना, हर शहर वाले, हर मस्जिद वाले, हर महले वाले, एक माइक्रो लेवल पे इसकी अगर कोशिश करके वहाँ का एक सर्वे करके, हमारे पास 15 नौजवान है तो 15 क्या कर रहे, इनको कैसे हम काम पर लगाना, तो ये 20-25 साल में आपकी गुर्बत जो है दूर होंगी। हाँ, कोई बदकिस्मत है, कोई बेवा है, कुछ ऐसा हो गया कि कुछ हादिसे से बेचारा काम को नहीं जा सक रहा, वो अलग बात है, जो 5-7% होंगी, मगर मुसलमान गुर्बत भी जो है, गुर्बत भी जो खाने के लाले पड़ रहा, आज सुने हम कोविड की वजह से देखे कि वाकई भी सही बात यह है कि उनके घर में 1 किलो चावल भी नहीं है, 1 किलो चावल भी नहीं है, जबकि वो 2-4 साल से रोज़ाना काम कर रहा, तो उसके पास एक चावल का बस्ता 1100 का अगर स्टॉक नहीं रह रहा तो समझिए कि उन काम में जो है कितना ख़राब कर रहा। गरीबी को दूर करना जो आपका सवाल है ये बहुत अहम सवाल है, और आज एक
बड़ा कॉन्सेंट्रेशन इसके ऊपर होना। इसमें जमात चाहे कोसी भी रहो, चाहे तबलीग वाले रहो, जमात इस्लामी वाले रहो, कोई भी रहो, इसको एक मेन मुद्दा बनाना। हर जमात वाला, हर जो है शहर का बड़ा आदमी, हर शहर के अलग अलग तंजीमें, चाहे कोई सी भी तंजीम रहो, इसको एक वार फुट लेवल पे काम करना, एक आम माहौल बना देना। जैसे मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ, हमारे अंदर कुछ आम माहौल होते हैं, जैसे एकाध मुसलमान जो है पीने वाला भी मिलेगा आपको, जबकि हराम है, मगर एक भी मुसलमान सुअर का गोश्त, खिंजीर का गोश्त खाने वाला कोई नहीं मिलेगा, कम से कम छींगा भी नहीं, क्योंकि एक आम माहौल एक जहन में कराहियत बिठा दिए। उसी तरह काम की अहमियत की एक अहमियत बिठा देना, इसके लिए सारे लोग काम पे लग जाना। सारे लोग कैसे काम पे लगना, ये बयाना करने से नहीं होगा, एक एक महिले की लिस्ट बनाना। अगर समझिए एक महिला जो है तबलीग वालों का डोमिनेशन है, तो उनका पहला काम ये होता कि वो कितने नौजवान हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, और उनको काम कैसे लगाना, काम कैसे, छोटे घर का बच्चा है, लेबर टाइप का बच्चा है, तो उसको काम क्या लगाना, कोई बच्चा जो है लाख डेढ़ लाख लगा सकता, तो नफ़ा किस पे आता है बताना, वरना उन लाख डेढ़ लाख ख़राब कर लेगा, वो ये कर लेगा, घुमा लेगा, तो नुकसान में आ जाएगा। और क्या हो रहा कि और एक बात ये हो रही, 5,000-10,000 की, मैं खुद देखा कि हमारे पास एक शोरूम है, उसके अंदर 5,000 तनख्वाह दे रहा हूँ सेल्समैन की, नाम सेल्समैन लगा दिया, एड्रेस दे दिया 5,000, इससे उसका घर कैसे चलेगा। तो ऐसे काम करना पड़ रहा है, या कोई ग्रेजुएट बच्चा है कुछ आउटसोर्सिंग की नौकरी 10,000, इससे उसका घर नहीं चलेगा। तो आप इनको कारोबार की तरफ लाना, और ये नफ़े के कारोबार करना, इसके लिए जो है हर महल्ले के बड़े लोग, बाज़ मरता ऐसा होता है कि बड़े लोगों को भी इसकी अगर नॉलेज नहीं है, तो वो कहीं से वो सब्जेक्ट को डेवलप करके लाना, इसको एक वार फुट बेसिस पे करना। आज मेरा एक अंदाज़ा है कि 42-50% लोग गुर्बत के मुब्तला है, जो दूसरे दिन की रोज़ी के भी परेशान है। ये ऐसी भयानक रूप इख्तियार करा कि जैसे हम समझ रहे हैं कि आगे हमारी दुश्मन जमातें कुछ है, इनको पूरी सहूलत आपकी गुर्बत बनेंगी। अगर आदमी खाते पीते रहेगा तो आदमी के अंदर खुददारी आएंगी, खुददारी आएंगी तो आपकी बात को समझेंगा, सियासत सही होंगी, आपके माशरे को सही करेंगा, खुददारी चले जाएंगी तो आदमी कहीं भी झुक जाएगा, 2 रुपये के वास्ते बिक जाएगा, और जिसकी वजह से आपकी कम्युनिटी को जो है शर्मिंदगी का भी शिकार होना पड़ेगा। तो इसको एक वार फुट बेसिस पे, चाहे जमात कुछ भी रहो, ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी रहो, यहाँ तक कि अगर वो उर्दू टीचर एसोसिएशन है तो भी यही बात करो, अगर वो जर्नलिस्ट एसोसिएशन यही बात करो, वो तबलीगी वाला है यही बात करो, अगर वो जमात इस्लामी वाला है, इसको एक मेन एजेंडा एक 10 साल के लिए अगर बना देंगे, तो इंशाल्लाह जो है आपकी जो गुर्बत है वो चले जाएंगी, वो आपके पहले तो गुर्बत चले जाएंगे। उसके बाद फिर दूसरी अहम बात यह है कि आप कैपिटलिस्ट रेंज में आना, आप दुनिया में आपका जो परसेंटेज है पूरी इकानमी में आप परसेंटेज होना। भाई दुनिया के अगर मिसाल बता रहा हूँ आपके कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज अगर 2000 है तो आपकी एक इंडस्ट्री से नहीं चलेंगे, आप एक एजेंडा बनाना, इसमें 2000 में मेरा 10% कैसा होता। अगर कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स आपके पूरे इंडिया के अंदर एक 5000 है तो आप एक एजेंडा बनाना, इसमें जो है इसमें मेरे 500 कैसे होना। कॉरपोरेट कॉलेज आपके, तो ये सारी चीज़ों का आप हिसाब देख के जब तक नहीं करें तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। या तो खैर वक्त तो नहीं है, सरदार जियों के ऊपर जब जुल्म ढाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, जब वो लोग लाले पड़ गए, वो लोग जो है जिंदगी के लाले पड़ गए, पूरे हिंदुस्तान से भागना पड़ा, 2-2 साल 3-3 साल कैंपों में गुजारना पड़ा, ऐसे वक्त में वो लोग कैंपों में रह के गुर्बत दूर करना, इकानमी पे कैसे काम करना, ये लोग मेहनत करते हैं, एक लंबा वक्त लगेगा इसके लिए। तो आज देखने में ये मिलता कि इनकी मेहनत आज वो हर चीज़ में, कॉलेज है तो उनके 10% होंगे, मेडिकल क्या बोलते फार्मास्यूटिकल कंपनीज है तो आज उनकी मोनोपोली है, जितने कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स है मोनोपोली है, जितने जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है बराबर उसमें है, जितने सर्विस सेक्टर है उसमें वो लोग 10% है, जबकि उनका 2% का पॉपुलेशन है। तो इकानमी में आज जो है हिंदुस्तान की अगर रिलीजन वाइज इकानमी अगर देखें तो उनकी 1 है। जो कौम 40 साल पहले अपनी ज़िंदगी की लाले पड़ गई थी, जो लोग हिंदुस्तान भर में भागना पड़ा था सिवाय पंजाब के, अगर कोई तेलंगाना का सरदार जी था तो पंजाब भागना पड़ा, कोई तमिलनाडु का था तो पंजाब भागना पड़ा, मगर जब ये मशवरा करे तो आज वो लोग हर चीज़ में दिखेंगे, साथ में सियासत में भी दिखेंगे, हर जमात में भी दिखेंगे, यहाँ तक कि वो लोगों की मेहनत इतनी रंग लाई, आज मलेशिया में भी उनका जो है एक मिनिस्टर दिखेगा, कनाडा में भी मिनिस्टर दिखेगा, पाकिस्तान सेंट्रल गवर्नमेंट में उनका मिनिस्टर दिखेगा। तो आप जब तक इकानमी पे काम नहीं करते, गुर्बत को दूर करना काम नहीं करते, ये फिर से बता दे रहा हूँ, इसको प्राइम एजेंडा बनाना। आपका फुटबॉल एसोसिएशन है तो फुटबॉल तो आप सिखाएंगे, मगर पहले उसको गुर्बत से हटने का तरीका सिखाना। आप जर्नलिस्ट हैं
आप उसके स्किल्स सिखाएंगे सिखाएंगे, मगर गुर्बत से हटने का तरीका बताना। अगर आप टीचर एसोसिएशन मेंटेन कर रहे तो आने वाली नस्लों को गुर्बत से हटने का तरीका बताना, वरना आपका कोसा एसोसिएशन या कोसा भी ये गुर्बत जो है आपको हर चीज़ को गारत कर देंगे। इसके ऊपर आप एक माइक्रो लेवल पे वर्क करना। पहले तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो जिलानी साहब को मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि पहली मर्तबा गुर्बत दूर करने के बात पे एक जर्नलिस्ट जो है फिक्र करें तो बहुत अच्छी बात है। और रही बात एक जर्नलिस्ट या हमारी बात नहीं, जितने भी लोग हैं इसमें, जो भी जमाते वाले हैं, जो भी हजरात है, जो भी शहर में कुछ ना कुछ खिदमत में रहते, या कुछ ऐसे हजरात है जो है अपने कामों की मसरूफियत से आज खाली है, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, शराफत वाली ज़िंदगी, इज्जत वाली, ये सारों को जो है इस काम में लगना चाहिए। पहला एजेंडा गुर्बत को दूर करने का हर जमात को करना चाहिए, हर तंजीम को करना चाहिए, शहर के हर बड़े आदमी को, हर अक्लमंद, हर समझदार, हर दयानतदार को इस बात के ऊपर जो है फ़िक्र करना चाहिए। तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ जिलानी साहब का, जो आप जो है एक अच्छा मुद्दा लिए। और साथ साथ में मैं सारे लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हजरात प्लीज़ सब्सक्राइब इस्लाम गुरु चैनल, जो आपको जो है मुस्लिम गुर्बत के लिए और मुस्लिम माशरे को उसके सुधार के लिए जो चैनल बना, इसको जो है आप सारे लोग सब्सक्राइब करिए। और आपके दोस्त अहबाब को भी बोलिए, बताइए कि जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करने की बात करिए। जी शुक्रिया।